जय दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डंकी के डे 7 कलेक्शन के बारे में और सालार के डे 6 कलेक्शन के बारे में, और इन दोनों ही मूवीज के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ बात करेंगे डे 8 डंकी के एडवांस बुकिंग के बारे में, डे 7 सालार एडवांस बुकिंग के बारे में जो कि आज का दिन होने वाला है, और बात करेंगे प्रेडिक्शन के बारे में कि आज ये दोनों मूवीज कितना कमा सकती हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो हम लोग बात करेंगे ही साथ साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डंकी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के साथ में साइड बाय साइड हम बात करते चलते हैं कि आखिर सलार का कितना हुआ था, जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा सा इजी। सबसे पहले अगर हम बात करें डंकी के डे 7 कलेक्शन के बारे में, तो डे 7 की एडवांस बुकिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डंकी की जो डे 7 की एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई वो आई 2.44 करोड़ रुपीज, इसमें करीब 1.14 लाख के टिकट बिके और 9898 इसको शोज मिले थे। मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं 2.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। वहीं अगर सलार की इसी दिन हम लोग डे 6 की एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं हम नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो भैया नंबर ऑफ टिकट्स गए इसके 3.77 लाख, मतलब कि करीब 4.25 लाख करीब करीब इसके टिकट गए हैं। नंबर ऑफ शोज जो इसके थे वो थे भाई 14,700, तो ये काफी अच्छा नंबर है। हालांकि शोज भी काफी ज्यादा है, लेकिन शोज के लिहाज से अगर हम देखें तो एडवांस बुकिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें डंकी के डे 7 कलेक्शन के बारे में, तो डंकी का डे 7 कलेक्शन गया है 9.75 करोड़, और ऐसे में डंकी की जो है अब उसका टोटल कलेक्शन क्रॉस हो चुका है 151.26 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी की, डंकी की जरा ऑक्यूपेंसी की भी समझ लेते हैं कि भैया कैसी की ऑक्यूपेंसी गई है इसकी, तो 9.75 करोड़ कलेक्शन के साथ में इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है 150 करोड़ का। वहीं अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 19.89 की इसकी ऑक्यूपेंसी गई। वहीं अगर हम सलार के इसी दिन के डे 6 के कलेक्शन की बात करें तो जहां उसकी 19% की ऑक्यूपेंसी गई, तो वहीं सलार की ऑक्यूपेंसी अगर हम बात करें तेलुगु में, तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 28%, और मलयालम में 21% गई है, तमिल में 18% गई है, और कनाडा में 22.95% गई है, एंड हिंदी की बात करें 28.98% गई है। इसका मतलब सीधा से यही हो कि अगर हम तमिल को छोड़ दें जिसमें कि 18% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है, इसके अलावा बाकी सारी लैंग्वेजेस में सलार की जो ऑक्यूपेंसी है वो डंकी से बेहतरी गई है। ये एक बात यहाँ पर एविडेंट तौर पर क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ अगर हम बात करें सलार के कलेक्शन के बारे में, तो सलार का जो कल का कलेक्शन निकला वो निकला 17 करोड़ रुपए। इसके पहले मंगलवार का भी कलेक्शन अब कंसोलिडेट होकर निकलकर सामने आ गया, जो कि पहुंच चुका है 24.9 करोड़ रुपीज। हिंदी कलेक्शन की बात करें तो इसका हिंदी कलेक्शन 9 करोड़ के साथ साथ अब 80 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। मतलब जो मूवी एक दूसरी लैंग्वेज में बनी है वो हिंदी में भी डंकी के आधा कलेक्शन निकाल चुकी है। डंकी का कलेक्शन जहां पर 150 करोड़ रुपए हुआ है, तो वही सलार का कलेक्शन भी 80 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये एक अच्छा खासा कंपटीशन है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये तो कोई कांटे की टक्कर ही नहीं। क्या आगे बढ़ के बात करें और आज के एडवांस बुकिंग की बात करें दोनों ही मूवीज की, तो आज जहां डंकी का 8वां दिन है तो वहीं सलार का 7वां दिन है। तो 8वें दिन पर डंकी ने जो अभी तक एडवांस बुकिंग निकाली है वो ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ की है, 1.75 करोड़ की। नंबर ऑफ टिकट जो है वो करीब करीब 1 लाख बिक चुके हैं, जब तक मूवी रिलीज होने का टाइम आएगा तब तक शायद 1 लाख टच भी कर जाए। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो 9,300 शोज है, आज भी इसके 500 शोज जो है वो कम हुए। वहीं सलार की अगर हम बात करें तो सलार की 7वें दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो 5.5 करोड़ रुपए की ऑलरेडी हो चुकी है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है अभी भी सलार के कंपैरिजन डंकी के कंपैरिजन में। वहीं नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो अभी इसके 2.3 लाख, मतलब 2.76 लाख टिकट इसके अभी बिक चुके हैं। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो इसके शोज 1200 कम हुए हैं, और 14,700 से इसके शोज अब कम होकर आ गए हैं 13,500 के ऊपर। तो एडवांस बुकिंग के लिहाज से तो देखिए सलार अभी भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और वही बात है कि कई लोग फिर से कहेंगे कि यार ये तो मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हुई है और आप ऐसा वैसा, तो भैया ऐसा है कि फिर आप रहने दो, सलार के सामने डंकी किसी ने मना नहीं किया था कि आप मल्टी लैंग्वेज अपनी मूवी रिलीज ना करें। खैर अब दोनों मूवीज की अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो डंकी का डे 6 तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफिशियल आ चुका है मेकर्स की तरफ से, जो हुआ है 283.13 करोड़ रुपीज, और साथ ही साथ इसका जो कलेक्शन एक दिन का निकला है, मतलब डे 6 का निकला है, वो निकला है करीब करीब 27 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करें डे 5 कलेक्शन सलार की 5 दिनों तक इसका वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हुआ था, तो तीसरे दिन के बाद से मेकर्स का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकलकर सामने आया नहीं है। जो अलग अलग ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर इसका कलेक्शन दिख रहा है वर्ल्ड वाइड, वही मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। तो सलार का डे 5 का कलेक्शन जो है वो ये बता रहा है कि फिलहाल ये मूवी शायद जहां तक 500 करोड़ को क्रॉस कर सके, 501 करोड़ रुपए कमा चुकी है 5 दिनों में, और इसका जो कलेक्शन निकला 5वें दिन का वो निकला 39 करोड़। जहां पर 6 दिनों में डंकी वर्ल्ड वाइड पहुंची 283 करोड़, तो वहीं पर सलार 500 करोड़ को या तो पार कर चुकी है या बिल्कुल दहलीज पे खड़ी हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सलार के लिए कि भाई आदि पुरुष के बाद में प्रभास की बहुत बढ़िया कमबैक हुई है, क्योंकि आदि पुरुष के बाद में एक टैग लग गया था प्रभास के ऊपर कि यार
ये सिर्फ नाम बड़े और दर्शन खोटे वाले किरदार हैं। खैर, प्रेडिक्शन की बात करें तो जैसे कि हम लोग आज की एडवांस बुकिंग देख रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि डंकी का जो कलेक्शन है वो 9 से 13 करोड़ के बीच में जाएगा। वहीं अगर हम सलार के कलेक्शन की बात करें तो उसकी एडवांस बुकिंग जिस तरीके से है और जिस तरीके का ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में दिखा है, 18 से 23 करोड़ रुपए कलेक्शन तो भैया कम से कम सलार भी निकालेगी। खैर, इसके बाद में हमारे सामने एक वीकेंड भी आ रहा है आज, नई नई करके तो भी भैया ऐसा है कि 7 दिन पूरे हो ही गए सलार के भी और 8 दिन पूरे हो जाएंगे डंकी के। अगला हमारे सामने अब वीकेंड आ रहा है और फिर उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टी भी रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा मौका रहने वाला है दोनों ही मूवीज के लिए अपने कलेक्शन को एक्सेलरेट करने का। सलार तो चलिए फिर भी अभी डबल डिजिट में जा रही है, लेकिन आज डंकी तो भैया सिंगल डिजिट में एंटर मार चुकी है। और सिंगल डिजिट में किसी मूवी के एंटर मारने का मतलब यही होता है कि अब उसको पता चल चुका है कि भैया हम हफ्ते 10 दिन के ही मेहमान हैं। डंकी के साथ वैसे ऐसे ना ही हो तो शायद बेहतर होगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चूड़िया जो है अब मार्केट में शायद ऐसे ही बेची जा रही है। खैर, सलार और डंकी का जो ये कलेक्शन है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्लैश सोशल मीडिया पर भी बन गया है। मतलब इस समय भी अगर मैं सोशल मीडिया की ही बात करूं तो यहां पर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं वो दो कर रहे हैं कि भैया डायनासोर क्रश डंकी, डायनासोर यहां पर सलार को कहा जा रहा है और डंकी यहां पर डंकी को ही कहा जा रहा है। मतलब कि एसआरके की जो मूवी आई है डंकी उसको कहा जा रहा है। और दूसरी चीज दूसरा वायरल हो रहा है यहां पर कि स्कैमर सालार क्रश्ड, ये सालार के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये यहां पर एक ट्विटर वॉर चल रहा है अभी दोनों ही तरफ के प्रशंसकों के बीच में, और दोनों ही तरफ के प्रशंसकों का कहना है कि भैया हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट। जबकि यहां पर सोचने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से कलेक्शन यहां पर निकला है इन दोनों मूवीज का, वो साफ तौर पर दिखाता है कि बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं उसकी तो हालत टाइट है। क्योंकि आप फेक कलेक्शंस की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि भैया कौन सी मूवी अच्छा कर रही है, तो सालार का जो कलेक्शन वो शुरुआत से ही सॉलिड निकल कर आया है। और मैं तो कभी मेकर्स की इतनी बात कर भी नहीं रहा हूं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड की ये बात कर रहा था। बाकी अगर मैं इंडिया कलेक्शन की बात करूं तो मैं शुरुआत से ही आपको एक्चुअल कलेक्शन यहां पर दिखा रहा हूं। बट फंडा ये है कि अगर आप बॉलीवुड की पिछली कुछ एक मूवीज को छोड़ दें तो कोई भी बड़ी मूवी ऐसी निकल कर आई नहीं है। शाहरुख खान की मूवी के अलावा जो 2-4 और मूवी हिट हुई है उनको अगर हम बता दें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी एक बहुत खास मूवी निकल कर आई नहीं है। और सलार की रिलीज के साथ में हिंदी बेल्ट पर एक बार फिर से दिख गया है कि साउथ का मैजिक कोई फ्लूक नहीं था जो कुछ समय के लिए चला था, बल्कि साउथ का मैजिक अभी भी बरकरार है। और अगर एक अच्छी कहानी निकल कर आएगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक अभी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी पोल खुलती हुई दिख रही है कि भाई आखिर सलार को लेकर जो नेगेटिविटी फैल रही है इस समय, या फिर फैला कौन रहा है। मतलब मैं अगर आपको नंबर ऑफ ट्वीट बताऊं तो साला स्कैमर सलार क्रश्ड में 162K, मतलब कि 1,62,000 ट्वीट अभी तक हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है काफी वेले लोग बैठे हुए हैं इन चीजों के ऊपर ट्वीट करने के लिए जो कि लगातार किए जा रहे हैं। बाकी अब बात वही है कि जो चीज सामने है वो चीज सामने है, आखिर इसको हम लोग डिनाई कैसे कर सकते हैं। अब जो भी होगा पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख ही रही है, और अधिकतर लोग मुझे लगता है कि अब तो मूवी देख ही चुके होंगे, और जो नहीं भी देख चुके होंगे वो किसी ना किसी जुगाड़ पानी में लगे होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।